नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। 2016 में बिहार में शराबबंदी तो जरूर हो गई थी, लेकिन इसका बिबुल यानी स्पष्ट रूप से आपको समझने योग्य है कि इसकी बातें हमेशा बिहार प्रदेश में होते रहता है। अब चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे किसी पार्टी के राजनीतिक दल के अध्यक्ष क्यों ना हो, वो हमेशा इस बातों को लेकर कटाक्ष करते हुए और आपस में भिड़ते हुए नज़र आते हैं। एक ऐसा ही वीडियो और एक ऐसा ही जो कमेंट्स है वो हम आपको सुनवाएंगे कि सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कुछ कह रहे हैं जो विधानसभा क्षेत्र में वो गए हैं। तो पहले आप ये वीडियो सुनिए। 101 अनुमंडल है और 38 जिला है, सबको मिलाइएगा तो भी 1000 पार नहीं करता है साथियों। लेकिन 2016 में अचानक नीतीश कुमार ने कहा हम शराबबंदी करते हैं। शराबी बनाया किसने, घर घर तक शराब पहुंचाया किसने? और नीतीश कुमार जब शराबबंदी कर रहे थे साथियों, तो पूरे बिहार में 11,000 से अधिक शराबी दुकानें थी। अपने शराबी हमारी बहनों को समझाते हैं कि मैंने शराबबंदी कर दिया है तो पाप तो आपने किया था, दूसरा कौन शराबी बनाया? और आज कल तक कोई शराब पीता था तो 300-400 रुपया खर्चा होता था, आज कितना खर्चा हो रहा? अब 3 गुना अधिक पैसा देना पड़ता है नीतीश बाबू। आप सोचिए, कल तक तो ब्लॉक में शराब की दुकान आपने खोली थी, आज कोई भर पंचायत नहीं है जिसमें होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। यही है नीतीश बात, सारा पाप वही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, करने वाला सिर्फ नीतीश कुमार है। और हम आज ऐलान करते हैं आपके पिपरा के विधानसभा और चंपारण की धरती पर, जहां महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, हम तैयार हैं। यहां भाजपा के तमाम नेता और वर्कर खड़े हैं। नीतीश कुमार जी, आपको दम है और औकात है तो आप तय कीजिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी आपको अपना खून देकर खून जांच कराना चाहती है। क्या जनता दल यू वाले तैयार है? अपना खून जांच कराइए कि आप शराबी हैं कि नहीं, ये बताइए। हम लोग तैयार हैं, पूरे बिहार में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तैयार है साथियों। आज जितने जगह शराब बिकने होंगे, या तो पुलिस की मदद से, नहीं तो जनता दल यू के नेता के बल पर, दूसरे किसी के बल पर। सरकार में आप हो, कानून मंत्री आप हो, होम मिनिस्टर आप हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, आपने कहा, पहले तो कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। जब हम लोगों ने आंदोलन किया कि पीने वाला तो मर के चला जाएगा, उसके परिवार का क्या दोष है, तो नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, हम लोग 4 लाख का उसको अनुदान देंगे। लेकिन एक शर्त लगाया है साथियों कि जो शराब पिएगा और मर जाएगा उसके परिवार को बताना पड़ेगा कि कहां से शराब आ रहा है। तो भी आपने सुना कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया। साफ साफ तौर पर निशाना नीतीश कुमार की ओर था, और उसके बाद से उन्होंने खुलकर बोला भी नीतीश कुमार नहीं तो बिहार के लोगों को शराबी बनाया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, और ऊपर से तो सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि जदयू के लोग यानी जो जदयू के नेता कार्यकर्ता हैं वो अपना खून का टेस्ट कराएं, ब्लड सैंपल दें और टेस्ट कराएं, और उसके बाद फिर हम भी अपना टेस्ट कराएंगे और दिखाते हैं फिर कौन किस पार्टी में शराबी और शराब जो पीने वाले लोग हैं वो हैं। दरअसल ये पूरा मामला कहाँ से आया आपको हम ये बताते हैं। तो पूरा जो मामला है वो दरअसल ललन सिंह के पार्टी जो मटन पार्टी हुआ था उसी दौरान ये सामने आया, क्योंकि मटन पार्टी से पहले ये ब्लड सैंपल वाला सीन नहीं था। और उसके बाद से जैसे ही भाजपा के लोगों के द्वारा ये कमेंट किया गया कि उस मटन पार्टी में कुत्ता गायब है, कुत्ते की मीट खिलाई जा रही, इस प्रकार से भले स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं कहा लेकिन कहने का जो तात्पर्य था कुछ इसी प्रकार था। और उसी उसके बाद से उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था भाजपा के लोगों ने कि किस प्रकार से उसमें शराब की भी पेशी की गई, शराब भी चला है उसमें। अब जब इस पर लीगल नोटिस आ गया सम्राट चौधरी पर, तब वो इस चीज़ को लेकर बौखला गए और तरह तरह की बातें जो हैं वो जदयू के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल आपका क्या कहना है और आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।